नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। वो भी पाठ है आपका एक केशवदास जी के जो रामचंद्र का महाकाव्य में वर्णित जो भी प्रश्न बनते हैं केशवदास जी संबंधित, उनको हम देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो विगत वीडियो से चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशव के काव्य में संवाद योजना, तो इस विषय पर एक निबंध लिखिए, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न हैं तो इनको चार पांच भागों में इसके उत्तर हम देखेंगे, क्योंकि सारा एक साथ हम नहीं देख सकते, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसीलिए ये कई भागों में है तो आज हम देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न है केशव के काव्य में संवाद योजना विषय पर निबंध लिखिए, या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट है मानी जाती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो सो उदाहरण विवेचना कीजिए। अथवा ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि रामचंद्र का काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है, इस कथन के आलोक में रामचंद्रिका के संवाद सौष्ठव का विवेचन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें संवाद सौष्ठव के बारे में या फिर संवाद योजना के बारे में बताना है, और हमने विगत वीडियो में हमने कई संवाद जो इसमें रामचंद्रिका के जो संवाद है वो कई वर्गों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित किए हैं, और उनमें हमने अब तक गत्यात्मक संवाद के बारे में पढ़ा, उसके उदाहरण चरित्रोद्घाटन संवाद उसके बारे में पढ़ा, पूर्व घटना सूचक संवाद चौथा हमने पढ़ा, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद पांचवा हमने पढ़ा, व्यंग्यात्मक संवाद छठा हमने पढ़ा, भावानुकूल संवाद, और आज हम पढ़ेंगे अब कूटनीतिक संवाद और परिचयात्मक संवाद के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कूटनीतिक संवाद क्या होते हैं। रामचंद्रिका महाकाव्य में कूटनीतिक संवाद से तात्पर्य क्या है? देखिए, नाम से पता चलता है राजनीति में ये पद चलता है कूटनीतिज्ञ, ठीक है ना, साम दाम दंड भेद जो कूटनीति के द्वारा किसी भी कार्य को राजनीति में पूर्ण किया जाता है, तो इस प्रकार के संवाद भी रामचंद्रिका महाकाव्य में हम देख सकते हैं। देखिए कहाँ पर है कि अंगद रावण जो संवाद हो रहा है, जब रावण के दरबार में अंगद जाता है और उस समय रावण है वो अंगद को बहकाता है, तो इसमें कूटनीति का पुट भी देखने को मिलता है। यानी ये जो संवाद है रामचंद्रिका महाकाव्य का, केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका है, उसमें अंगद रावण संवाद में कूटनीति का पुट भी है। देखिए, रावण है वो अंगद की भावनाओं को भड़का करके राम का विरोधी बनाने की जो चेष्टा है वो करता है, ठीक है ना। रावण है वो इस प्रकार की बातें अंगद के सामने करता है, इस प्रकार की कूटनीतिक चालें चलता है जिससे वह बाली के पुत्र अंगद को अपने पक्ष में कर ले और राम के विरुद्ध भड़का ले। तो इस प्रकार से रावण अंगद की भावनाओं को भड़काकर राम का विरोध बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन अंगद उसकी कूटनीतिक चाल को कठोरता से उत्तर देता है, लेकिन अंगद वो समझ जाता है और उसकी कूटनीति की चालों को निरस्त कर देता है, एक तरह से परास्त कर देता है कूटनीतिक चालों को और बड़ी कठोरता के साथ उत्तर देता है। देखो किस प्रकार से उत्तर देता है। रावण कहता है कि जो सुत अपने बाप को बेर न लई परकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तजी झांस। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रावण जो के दरबार में जब अंगद जाता है तो उस समय रावण उसको अपनी कूटनीति की चालों में फंसाना चाहता है, तो रावण उसको ऐसी बातें सुनाता है ताकि अंगद के मन में राम के प्रति विरोध हो जाए। तो रावण क्या कहता है कि जो सुत मने जो बेटा अपने बाप को बेर न ले प्रकाश, यानी अपने बाप की हत्या का बदला नहीं ले सकता, उसके हत्यारे को नहीं मार सकता, तो वह पुत्र क्या काम का है। इस प्रकार से रावण है उसको समझाता है कि जिस राम के तुम सेवक हो वे राम तो तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं, तुम्हारे पिता का वध करने वाले हैं, और ऐसे ही राम का तुम सहयोग कर रहे हो। तो इस प्रकार से रावण उसको जो है भड़काने की कोशिश करता है। तो जो सुत मने जो बेटा अपने बाप की शत्रुता का विरोध नहीं करे या उसके शत्रु से उसका जो विरोध नहीं करे उसका बदला नहीं ले,
तासो जीवित ही मरियो, ऐसे पुत्र को तो जीते जी मर जाना चाहिए। लोग कहे तजी झांस, और लोग इस प्रकार की बातें जो है निर्भयता पूर्वक या जो है इस प्रकार से लोग उसकी निंदा है वो करते हैं। लोग कहे तजी झांस, ठीक है ना, उसका विरोध जो है त्याग, उसका त्याग करते हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसा सुत यानी ऐसे बेटा को जो उसकी निंदा की जाती है, तो इस प्रकार से रावण उसको समझाता। तो अंगद वापिस उत्तर देता है कि इसको विलगु न मानिए, इसको विलगु न मानिए, कही के सब पलवाद, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। देखिए कि इसको विलगु न मानिए, यानी इसको अलग नहीं माने, इस प्रकार के भाव तुम्हारे मन में आ रहे हैं वो सही नहीं है। विलगु न मानिए यानी इसको अलग मत मानो। कई केसव पलवाद, तो अपने आधे पल्लू का मतलब पल, आधे पल, आधे पल यानी कुछ क्षण सोच करके इस बात पर विचार करो कि मैं इसी बातों को नहीं मानता। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, जैसे हवा पानी आग, क्षमा करना, पानी आग हवा और भगवान है, जो असाधु तो साधु, यानी असाधु होते हुए भी वो साधु है, पवित्र है, भला करने वाले होते हैं। पानी भी, हवा भी, पवन भी और प्रभु, ये असाधु कभी भी नहीं हो सकते, ये असाधु होते हुए भी पवित्र होते हैं, अर्थात भले ही चाहिए हमेशा, ये हमेशा पवित्र रहने वाले होते हैं, हमेशा भला करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार का अंगद उसको कह करके उसकी बात को कटाक्ष करते हैं। तो ये कूटनीतिक संवाद है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परिचयात्मक संवाद है। परिचयात्मक संवाद में नाम से पता चलता है, परिचय दिया जाता है एक दूसरे को, पात्र है वह एक दूसरे को परिचय प्राप्त करता है। तो रामचंद्र का महाकाव्य में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे संवाद भी आए हैं, बहुत संख्या में है ऐसे संवाद। जैसे जनक विश्वामित्र जो संवाद है, जनक विश्वामित्र संवाद है, या फिर विप्र रूप में ब्राह्मण वेश में हनुमान राम संवाद है, वो ये पात्र परस्पर अपना परिचय देते हुए चित्रित किए गए हैं, इसलिए ये परिचयात्मक संवाद है। यानी रामचंद्र का महाकाव्य में परिचयात्मक संवाद है, वो कई जगह आए हैं। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिचयात्मक संवाद है उसमें जनक विश्वामित्र का संवाद है, ये बातचीत हो रही है। जनक है वो विश्वामित्र से बात करते हैं, किसके बारे में, राम और लक्ष्मण के परिचय पूछते हैं कि ये कौन है, आप साथ में लेकर के राजकुमार आए हो। तो इस प्रकार से ऐसा जो जनक विश्वामित्र जी का संवाद है, जब विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में साथ में लेकर के जाते हैं, उस समय जनक है विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन, आप साथ में लेकर के आए हो, किस प्रकार का परिचय पूछा जाता है। ऐसे परिचयात्मक संवाद देखने को मिलते हैं। विप्र रूप में और हनुमान रावण, जैसे राम सीता, सीता अब हरण होने के बाद में जब भटकते भटकते या ढूंढते सीता की खोज करते करते जब वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, तो उस समय जो है सुग्रीव और उसके जो दूत होते हैं वो ये पता करते हैं कि कहीं ये बाली द्वारा भेजे गए कोई उस व्यक्ति सैनिक इत्यादि नहीं है जो हमारा अहित कर दे, इसीलिए हनुमान है वो ब्राह्मण का रूप बना करके उनका परिचय पूछने के लिए जाते हैं। तो उस समय दोनों में संवाद होता है हनुमान और राम के बीच में। तो इस प्रकार से पात्र परस्पर अपना परिचय देते हुए चित्रित करते हैं। या फिर विभीषण हनुमान का संवाद भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी जो है परिचय दिया जाता है एक दूसरे का। देखिए राम क्या कह रहे हैं, पुत्र श्री दशरथ के वन राज्य शासन आयो, पुत्र श्री दशरथ के, कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ और वन रूपी इस राज्य के शासन करने के लिए आया हूँ। वन राज्य यानी ये वन रूपी जो राज्य है उसमें मैं शासन करने आया हूँ और मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ। इस प्रकार का परिचय देते हैं राम हनुमान से। फिर देखिए एक पंक्ति और भी है कि राम लक्ष्मण नाम संयुक्त सूर वंश बखानियो, कि हम राम लक्ष्मण नाम है मेरा, हमारा मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। तो राम लक्ष्मण नाम संयुक्त यानी हमारे दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है, और हम सूर्य वंश बखानियो माने सूर्य वंश में हमारी गणना होती है, वर्णन होता है, सूर्य वंश माने सूर्य वंश में हमारी गणना होती है, हम सूर्यवंशी है और हमारा दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है। इस प्रकार का परिचय हनुमान जी से राम या लक्ष्मण है वो देते हैं। अब हनुमान देखिए क्या कहते हैं कि या गिरि पर सुग्रीव नृप तासंग मंत्री चारी वानर लई छड़ायती दी दीन हो,
बाल निकारी, अर्थात इसमें कहा है इसे गिरी, गिरी का मतलब पर्वत, यहाँ पर्वत कौन सा था, पर्वत था ऋषि मुख पर्वत, ठीक है ना, ऋषि मुख जो पर्वत था उसके बारे में कह रहे हनुमान जी कि या गिरी पर यानी इस ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव नृप मने राजा सुग्रीव रहते हैं, तासंग मंत्री चारी उनके साथ में चार मंत्री भी रहते हैं जिनमें एक हनुमान जी भी थे और एक जामवंत जो है जामवंत भी थे, रिचों के जो राजा थे। तो इस प्रकार से सुग्रीव वहाँ पर चार मंत्रियों के साथ में रहता है। वानर लई छुड़ाय छड़ायती, वानर लई यानी वो जो वानर है सुग्रीव, उनके बीच में लड़ाई हो जाने के कारण उस बाली ने जो है उसकी छड़ायती यती मन उसकी स्त्री को जो है अपहरण कर लिया या स्त्री को जो है हरण कर लिया है, छुड़ा दी है उसकी स्त्री को। और दीन्यो बाल निकारे, अर्थात बाली ने उसके भाई सुग्रीव के भाई बाली ने उसको निकारे मने वहाँ से किष्किंधा से निकाल दिया है। तो इस प्रकार से किष्किंधा से निष्कासित है और यह जो पर्वत है ऋषिमुख पर्वत, इस पर सुग्रीव अपने राजा सुग्रीव है जो बांदरों का राजा है सुग्रीव, वो अपने चार मंत्रियों के साथ में यहाँ रहता है और उसकी वानर लई मैंने वानर सेना उसकी छीन ली या जो राजा बना था उसको जो है उसको छीन लिया और सिंहासन छीन करके उसकी पत्नी को भी यानी सुग्रीव की पत्नी को भी हरण कर लिया और बाली ने उसको निकाल दिया। तो इस प्रकार की बातें हनुमान जी राम जी को कहती हैं। तो ये परिचयात्मक जो है यहाँ पर संवाद है। तो आशा करता हूँ ये दोनों संवाद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कूटनीतिक संवादों में कूटनीति चालें का संवाद होता है और ये थोड़े थोड़े उदाहरण आपको ज़रूर ज़रूर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखोगे तो ही नंबर अच्छे बनेंगे, ऐसे सीधे सीधे उत्तरों से जो है नंबर नहीं मिलते, इसीलिए इन उदाहरणों को ज़रूर एक एक पंक्तियाँ भी लिखो लेकिन लिखनी ज़रूर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न का अंतिम भाग जो हम लेंगे जिसमें हम नाटकीय संवाद है और आध्यात्मिक संवाद है उनको लेंगे और इस तरह से इस प्रश्न का तीसरी करेंगे। तो काफ़ी लंबा चल गया है लेकिन क्या करें, बड़े बड़े प्रश्न हैं तो इनको सारों एक साथ बताया नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, समझाने में समय लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते जाइए और ठीक प्रकार से आत्मसात करिए, नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।